हेलो एवरीवन, मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ। आज प्रकाश के परिवर्तन का आवार वाला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, साथ ही हम ये देखेंगे कि चीन परिपाटी क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग दो मुद्दा पर बात करेंगे, एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और दूसरा चीन परिपाटी। आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु की स्थिति कहीं भी क्यों ना हो। वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए, उत्तल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई उत्तल दर्पण है, इसका अक्ष है, ध्रुव है, फोकस है, केंद्र है। हमने एक वस्तु को यहां रखा है उसके अक्ष पर। अब इससे हमको पता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण लेते हैं, इससे हम दो किरण ले रहे हैं। एक मुखज के समांतर, हमें पता है कि जो किरण मुखज के समांतर आती है वो उत्तल दर्पण में दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह से इसका परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ऐसा महसूस होगा कि फोकस से जा रहा है। ये हमारा फोकस है। दूसरा हम ले लेते हैं वाहकता केंद्र पर। तुम्हें पता है कि जो किरणें वाहकता केंद्र पर आती है वो दर्पण से परिवर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो वाहकता केंद्र पर आई और वाहकता केंद्र पर गई, लेकिन यदि इसे पीछे बढ़ाया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि उत्तल दर्पण में ये वक्ता केंद्र से जा रहा है। डायग्राम हल्का टेढ़ा हो जाता है। देखिए कहां पे कट रहा है, यहां पे काटा, यही है आपका प्रतिबिंब। मान लेते हैं वस्तु ए है, ए बी है, और आपका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब वस्तु को कहीं भी रखिए उत्तल दर्पण में, इसका प्रतिबिंब हमेशा आपका आभासी ही बनेगा। यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, कहीं भी रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं चीन परिपाटी के, किसान कन्वेंशन क्या होता है। आइए आइए अब हम देखते हैं कि चीन परिपाटी क्या होता है। गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी, सीधा बन रहा है या उल्टा, ऊपर बन रहा है अक्ष के या नीचे, जानने के लिए जिस परिपाटी का हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी परिपाटी को हम चीन परिपाटी कहते हैं। आइए चीन परिपाटी को और अच्छी तरह से समझते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट का हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है मैथमेटिक्स का, आप उसे जाकर देख लीजिएगा तो आपको भली भांति और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। मूल बिंदु से इधर सब प्लस होता है, मूल बिंदु से इसको एक्स डैश को हम लोग निगेटिव कहते हैं माइनस। मूल बिंदु का ऊपर जो होता है वो प्लस होता है, मूल बिंदु के जो नीचे होता है वाई डैश इसे हम लोग माइनस कहते हैं। मूल बिंदु प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। आइए इसे हम इंटर रिलेट करते हैं दर्पण के साथ। ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ध्रुव, फोकस, वक्ता केंद्र और अनंत। ये हमारा कोई उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का ध्रुव, फोकस, केंद्र और अनंत। अब इस चीन परिपाटी को हम एक बार उत्तल दर्पण के ध्रुव पर जाके सिचुएट कर देंगे और दूसरी बार सॉरी अवतल दर्पण के उसके बाद उत्तल दर्पण के ध्रुव पर जाके हम रखेंगे। देखिए इस साइन कन्वेंशन को हाथ में उठा लिए, ऐसा इमेजिन कीजिए, और इसी को जस्ट हम जाके इसके ध्रुव पर रख दिए, इसके मूल बिंदु को यहां पर रख दिए।
इस चिन्ह परिपाटी को हमने हाथों से उठा लिया और इसी को जाकर हमने यहां पर रख दिया। किस तरह से कि इसका मूल बिंदु जो था हमने अवतल दर्पण के ध्रुव पर जाकर रख दिया। चिन्ह परिपाटी के मूल बिंदु को हमने अवतल दर्पण के ध्रुव पर रखा। अब क्या होगा? अब कहेंगे कि जो हमारा दर्पण के जो अक्ष था वो एक अक्ष हो गया, एक्स डैश एक अक्ष, और ये जो लंबा था वो आपको हो गया वाई अक्ष, और आपका जो ध्रुव है वो हो गया मूल बिंदु। तो आप क्या करेंगे, हमारा जो साइन कन्वेंशन होता है उसके अनुसार मूल बिंदु के ऊपर के जो सभी दूरी होती है सब धनात्मक होती है। साइन कन्वेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, मूल बिंदु का ऊपर का जो भाग होता है सब धनात्मक लेंगे, इसे हम मिटा देते हैं, और मूल बिंदु का नीचे का जो भाग होगा उसे हम ऋणात्मक लेंगे। मूल बिंदु के बाये के तरफ को हम ऋणात्मक लेते हैं और मूल बिंदु के दाएं के भाग को हम धनात्मक लेते हैं। मूल बिंदु ध्रुव हो गया आपको मूल बिंदु, मूल बिंदु के ऊपर के भाग को हम धनात्मक लेंगे, मूल बिंदु के नीचे के भाग को हम ऋणात्मक लेंगे, मूल बिंदु के बाएं के भाग को हम ऋणात्मक और मूल बिंदु के दाएं के भाग को हम धनात्मक लेंगे। तो हमें पता है कि ध्रुव और मुख फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से सूचित किया जाता है, और ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसा बात किया। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी, चूंकि इधर देखिए ये माइनस है और ये आपको प्लस है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, साथ में अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, और हम वस्तु को हमेशा अवतल दर्पण में इधर ही रखते हैं, इसीलिए वस्तु की दूरी भी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या, तीनों के तीनों ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन कहता है कि मूल बिंदु के ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे का ऋणात्मक, बाएं का ऋणात्मक, दाएं का धनात्मक। अब इसी साइन कन्वेंशन को हम उत्तल दर्पण के लिए अप्लाई करते हैं। आइए अब हम उत्तल दर्पण के लिए साइन कन्वेंशन देखते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं मूल बिंदु। इस साइन कन्वेंशन को यहां से उठाकर हम इसके मूल बिंदु यानी ध्रुव पर रख रहे हैं। देखिए ये हमारा साइन कन्वेंशन है, कलम एक्स अक्ष और ये आपके वाई अक्ष, यहां पर एक दूसरे का ये मूल बिंदु है, इसे उठाकर सेम हम यहां पर रख लेते हैं इसको ध्रुव पर। इस तरह से रखे हैं कि इसका जो मूल बिंदु था वो आके हम उसके ध्रुव पर रख दिए। तो ये मूल बिंदु जो हो गया ध्रुव हो गया, इसको हम यहां लाके रख दिए। ये हो गया आपको एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, और ये जो मूल बिंदु है वो आप ध्रुव में हो गया। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि मूल बिंदु के ऊपर की दूरी धनात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, मूल बिंदु से बाएं की दूरी सब ऋणात्मक ली जाती है, मूल बिंदु से दाएं की सभी की दूरी को धनात्मक लिया जाता है, और सारा के सारा दूरी हम ध्रुव से नापते हैं, सारा के सारा दूरी ध्रुव से नापते हैं। तो इस साइन कन्वेंशन को उठाकर हमने यहां रखा, तो हमें पता है कि ये मूल बिंदु है यानी ध्रुव है, और ये फोकस है, ध्रुव और मुख फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो उस हिसाब से हमारा उत्तल दर्पण के फोकस दूरी जो हो गया पॉजिटिव, और वक्ता त्रिज्या भी पॉजिटिव, क्योंकि आप साइन कन्वेंशन देखिए,
प्लस है माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो फोकस दूरी यहां से देखिए मुख फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी प्लस हो गया, त्रिज्या भी इधर है प्लस हो गया, लेकिन वस्तु को हमेशा उत्तल दर्पण में हम इधर ही रखते हैं, इसलिए वस्तु की दूरी माइनस। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस निगेटिव, त्रिज्या निगेटिव और वस्तु की दूरी निगेटिव, लेकिन उत्तर दर्पण की फोकस पॉजिटिव, त्रिज्या पॉजिटिव, वस्तु की दूरी निगेटिव। तो यही है आपका साइन कन्वेंशन, और बहुत ही जल्दी आपको चैप्टर समाप्त होने वाला, एक दो वीडियो और होगा, और हम इसका डेरिवेशन सभी वीडियो को लास्ट में देंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे। तो बाय, तब तक के लिए।